महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुल 36 लोगों की मौत हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उसे खूनी सरकार बताया। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके कहा कि एकनाथ शिंदे की ये ट्रिपल इंजन की खूनी सरकार है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कोविड में अच्छा काम कर रही उद्धव जी की सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया है। ये जो जाने गए हैं उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सीएम को इस विभाग के मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कुल 31 मरीजों की मौत हुई है जिनमें 16 नवजात बच्चे हैं। उन बच्चों की माँ का क्या होगा, उन्हें कौन जवाब देगा? राज्य सरकार पर केस दर्ज किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों का खून किया गया है। आखिर उनका क्या गुनाह था? कांग्रेस नेता विजय विद्युतीवार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने आपातकालीन मेडिकल की सप्लाई नहीं की है। वही एनसीपी नेता शरद पवार ने भी राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 मरीजों की मौत हुई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अभी तक एक दिन भी नहीं हुआ है। वही दूसरी ओर छत्रपति संभाजी नगर के घाटी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं सहित 8 मरीजों की मौत की घटना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर कालिक पोतने जैसी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल की घटना के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ। मैं मृतकों के परिवारों के दुख में शामिल हूं और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।